किसी भी उम्र के लोग हों, सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को अच्छे से संवारे रखना चाहता है। ऐसे में कोई भी सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीदने में संकोच नहीं करता। आजकल जिस रफ्तार में हम सब आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में सुंदर दिखना एक जरूरत हो गई है। ऐसे में अगर आप सौंदर्य प्रसाधन को व्यापार के विकल्प की तरह देख रहे हैं तो ये एक अच्छा आइडिया है। कॉस्मेटिक्स एक ऐसा बाजार है जो ना कभी थकता है ना कभी रुकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह हम आप हैं। सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार अगर पूरी लगन के साथ किया जाए तो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की पर जाते हैं। चलिए जानते हैं कॉस्मेटिक आइटम बिजनेस के बारे में। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो सालों साल चलता रहता है, क्योंकि मेकअप की आवश्यकता हर किसी को होती है। प्रतिदिन के अलावा फेस्टिवल, शादी, पार्टी आदि फंक्शन में भी बड़ी डिमांड रहती है, तो ऐसे में किसी न किसी को कुछ न कुछ चाहिए। मौसम के हिसाब से भी लोग अब मेकअप को इस्तेमाल में ला रहे हैं। इसकी वजह ऑनलाइन प्रमोशन है जो लोगों को कहीं ना कहीं मेकअप, स्किन आदि के लिए जागरूक कर रहे हैं। जिसका उदाहरण ये है कि लोग अब किस तरह से सजना संवरना है इस पर भी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। कैसे स्टार्ट करें बिजनेस? आजकल हर किसी को कॉस्मेटिक आइटम के बारे में अच्छी खासी समझ है कि उन्हें कब क्या लेना है। ऐसे में अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लेकर और जानकारी हासिल कर लेते हो तो आपके लिए ये समझना आसान होगा कि मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा किन प्रोडक्ट्स की है। मार्केट पर रिसर्च करें, प्रोडक्ट्स पर रिसर्च करें और किस जगह शॉप खोलना है इस पर रिसर्च करें। फिर आप अपने बजट के हिसाब से आगे प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान तैयार करें। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाना, फिर उस बिजनेस की बारीकियों को ध्यानपूर्वक समझना और फिर उस बिजनेस का एक मॉडल तैयार करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी आप बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत सी चुनौतियां होती हैं। ऐसे में अगर आप अपने बिजनेस का पूरा ढांचा तैयार कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि कहां पर कितना गैप है और कहां कितना परिवर्तन करना है। सही स्थान का चयन करें। आप जिस जगह पर अपनी शॉप खोलने की सोच रहे हैं, क्या वहां पर वाकई महिलाओं का आना जाना है? किस तरह की कैटेगरी आपके बिजनेस का सबसे पहला हिस्सा होगा? किन प्रोडक्ट्स को आप सबसे पहले अपनी शॉप में भरना चाहेंगे आदि। इस तरह के कई सवालों के जवाब आपको पहले से ही ढूंढने पड़ेंगे और इन सभी सवालों के जवाब के बाद ही आपको अपनी शॉप के लोकेशन बतानी पड़ेगी। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। बिजनेस का नाम सोचकर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से अनुमति लेनी होती है। बैंक अकाउंट्स खोलना हो पड़ेगा जिसमें चालू खाते की आवश्यकता होगी। यदि आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। राज्य के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंस लेना होगा। सप्लायर का चयन करें। अगर आप ऐसी जगह दुकान और बिजनेस कर रहे हैं जहां पहले से कॉस्मेटिक की शॉप्स हैं, तो आसपास के व्यापारियों से जानकारी लें। उनसे पता करें कि वो कहां से थोक में माल उठाते हैं, कौन उनके सप्लायर हैं। एरिया के हिसाब से आप सप्लायर चुन सकते हैं। क्वालिटी और कलेक्शन का रखें ख्याल। आप जब भी शॉप शुरू करें तो अपने एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट क्वालिटी का खास ख्याल रखें। यदि आप शुरू से अच्छी क्वालिटी और एरिया की डिमांड से जुड़े प्रोडक्ट रखेंगे तो आप अपने बिजनेस से शुरू से ही लोगों की नजर में चढ़ जाएंगे। साथ ही कलेक्शन भी अच्छे अच्छे लोगों की डिमांड के हिसाब से ही रखें, जिससे आपकी शॉप पर आया हुआ कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना जाए। फैशन, ट्रेंड और स्टाइल स्टेटमेंट के अनुसार कलेक्शन पर ध्यान दें, साथ ही लोगों की जरूरत को भी सर्वोपरि रखें। निवेश कितना होगा? आप किस जगह अपना बिजनेस और शॉप खोल रहे हैं, निवेश उसी के हिसाब से तय होगा। फिर भी अगर आप किसी अच्छी मार्केट में किराए पर लेकर शॉप खोलते हैं तो 50,000 से 60,000 तक का आपको डिपॉजिट देना होगा। हालांकि ये डिपॉजिट आप जब भी दुकान खाली करते हैं तभी वापस मिल जाता है। इसके लिए आपको पहले से ही अपनी दुकान मालिक से बात करनी होगी। इसके साथ ही हर महीने आपको लगभग 10,000 तक का किराया भी देना होगा। यदि आप किसी कर्मचारी को काम पर रखते हैं तो उसकी सैलरी 8,000 से 10,000 मानकर चलिए। कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर और अन्य वस्तुओं में 1,00,000 तक का खर्चा हो सकता है। इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि आपके पास बजट कम है तो आप 50,000 में भी अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी दुकान को बड़ा करें। फिर भी यदि आप इसे थोड़े पैमाने पर शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको वेबसाइट का खर्चा भी देखना होगा, जिसमें 10,000 से शुरुआत होगी। बिजनेस शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ख्याल। कस्टमर से अच्छे से पेश आए। याद रखें, ग्राहक ही आपकी दुकान और बिजनेस को बड़ा बनाता है। यदि आप ग्राहक से सही से बात नहीं करेंगे, उनकी जरूरत और राशि को ना समझते हुए अपनी ही चलाएंगे तो ग्राहक आपकी दुकान पर दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हमेशा आपको ग्राहक से बेहद अच्छे से पेश आना है, साथ ही उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए प्रोडक्ट दिखाना है। बाकी का ग्राहक पर निर्भर करता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं।
प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट अवश्य चेक करें। दुकान का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे महिलाएं आने में संकोच ना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस बिजनेस से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। जल्द ही आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।